दोस्तों इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 39 वर्षीय अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने बीते शुक्रवार को टेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को आउट करते हुए टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले अब तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन से पहले यह खास उपलब्धि पूर्व भारतीय दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले के नाम दर्ज थी। एंडरसन द्वारा इस बड़ी उपलब्धि को अपने नाम करने के बाद पूर्व भारतीय स्पिनर ने उन्हें बधाई दी। दरअसल कुंबले ने ट्वीट करते हुए लिखा है, शुभकामनाएं जेम्स एंडरसन, इस मुकाम पर तेज गेंदबाज को देखना सुखद रहा। बता दें अनिल कुंबले ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 132 टेस्ट क्रिकेट मैच खेलते हुए 236 पारियों में 619 विकेट चटकाए हैं। साथ ही टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 31 बार 4 और 35 बार 5 विकेट लेने का कारनामा है। कुंबले का टेस्ट क्रिकेट में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 74 रन खर्च कर 10 विकेट है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में अब तक सर्वाधिक विकेट लेने का कारनामा श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के नाम दर्ज है। मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में 133 मैच खेलते हुए 230 पारियों में 800 विकेट लिए हैं। वहीं मैच की बात करें तो 183 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 278 रन की शानदार पारी खेली, तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी में स्टंप तक बिना विकेट खोए 25 रन बनाए। दोस्तों इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।